हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वी विल कंटिन्यू आवर लेसन 6, स्टैंडर्ड 5, चैप्टर 6 है एवरी ड्रॉप काउंट्स। दिस इज पार्ट 5 एंड पेज नंबर 59। ओपन द पेज नंबर 59। तो हमारा पेज नंबर 58 तक हो गया था। आपको होमवर्क दिया गया था, आपने सबने किया होगा, अपने नोटबुक में आपने राइट नोट किया होगा जो मैंने कहा था पानी के लिए बिल को देखकर आपको करनी है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, इट कैन बी डन। अब यहाँ पे क्या है, देयर आर सम ग्रुप दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। दे रिवोल्ड द ओल्ड लेक्स एंड द ऑल्सो बिल्डिंग न्यू वंस। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुणभद्र संगन हेल्प द तरुण भारत संघ हेल्प। तो यहाँ पे है, यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हुई है। ओके, वे लोग बड़े बड़े से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। तो चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने डेक्रिक माई की मदद कैसे की। तो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आप। अब इनके बारे में यहाँ पे सुनते हैं क्या है। दिस इज दकरी माई, सी लिव इन ए विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द इंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। समटाइम्स इट्स स्टॉक ऑल नाइट्स टू पोल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। इन द समर वेन द वेल्स ड्राई अप दे हैड टू लीव द विलेज। दरकी माई हार्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक ए लेक द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स। इट्स नो लेस पीपल गेट मोर मिल्क दे हैव स्टार्टिंग अर्निंग मोर। तो ये है देरी माई, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। ओके, इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुआं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मी में कुएं भी सूख जाते थे तब गांव छोड़ना पड़ता था। तब दकरी माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। फिर जानवरों के जो चारे पानी की परेशानियां कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर रीड दिस काइंड्स ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर। हाउ डू पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर। डिड दे रिपेयर एंड रिज्यूम एनी ओल्डर लेक और स्टीप वेल। यहाँ पे क्या है, पुराने तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है, लोगों ने मिलकर पानी की परेशानियों को कैसे दूर किया। क्या किसी पुराने तालाब या बावरी को फिर से ठीक करने का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट वी हैव। तो यहाँ पे है मेक ए पोस्टर, डू यू रिमेंबर द सॉल्व। वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल,
थिंक ऑफ सम अदर सच ड्रॉ पिक्चर एंड मेक ए नाइस पोस्टर। अब यहाँ पर आपको पोस्टर एक बनाना है। क्या तुम्हें याद है कि पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है, कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही आपको पिक्चर बनाकर अपना एक सुंदर पोस्ट बनाना है। एक पानी का बिल लगाओ, उसे देखकर आपको बताना है। यहाँ पे क्या करना है, आपके घर के आसपास बिल हो पानी का तो आपको बिल देखना है, नहीं तो जो बुक्स में थी आपको उसको ही देखकर वहाँ पर एक पोस्टर बनानी है। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, दिस बिल इज फ्रॉम फिल द ब्लैंक्स डेट टू डेट। अब आपको क्या करना है, ये बिल की किस तारीख से किस तारीख तक का है वो आपको बताना है। ओके, फिर सेकंड में क्या बताना है, हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। ओके, लास्ट में क्या है, व्हाट एल्स कैन यू सीन इन द बिल लाइक द मनी स्पेंड और रिपेयर मेंटेनेंस। तो इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर भी हुआ हुआ खर्चा। सो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन आंसर थे। एक आपको बिजली की बिल ढूंढनी है, आपके घर पे आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हो तो आप बुक्स में से ही देख के करना। और आप अपने एक नोटबुक में एक कुएं का आपको पिक्चर बनाना है और उसको आपको कलर करनी है। ओके, तो यहाँ पे एंड ऑफ होता है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो सॉल्यूशन में मिलेंगे, तो जो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आया होगा आप मत लिखिएगा, हम नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में रहेंगे और साथ में उसकी पीडीएफ भी रहेगी जो आपको अपने नोटबुक में देखकर करनी है। ओके, और जो भी वर्ड आपने अंडरलाइन किया है सबको नोटबुक में लिखकर सबको सारा वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाना चाहिए, सब आपको याद करनी है। ओके, थैंक यू।